नमस्ते बात तो मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरा नाम रेखा सिंह है और ये जो हमारा सॉन्ग आ रहा है जिस एल्बम का नाम है अल्फाज नहीं मिलते, तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। आप लोग देखना ना भूले। इसका डायरेक्टर है डीके गुप्ता जी एंड सिंगर और एक्टर है अफरोज जी। तो मुझे उम्मीद है कि इस गाने को आप लोग बहुत सारा प्यार दें। तो बिक्की जी बताएं, इसमें मूवी में आप डायरेक्टर करके कितना आनंद आया, तो जरा पब्लिक को बताएं आप। सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और आप लोग को अच्छा लगेगा। और इसमें सिंगिंग अफरोज जी ने किया है और इसके डायरेक्शन की जहाँ बात रही है कि अभी जो लव ट्रायंगल चल रहा है, मतलब किस तरह से आजकल रियल जिंदगी में धोखा होता है, या फिर आप ऐसा कह लें कि एक लव ट्रायंगल सॉन्ग है जो काफ़ी पसंद आएगा आप लोगों को, जो हमारे VGCC फिल्म्स एंड AJ फिल्म के माध्यम से आ रहा है, जो आप लोग को यूट्यूब पे दिखेगा। हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तरह गाना है और कितना चैलेंजिंग रहा ये गाना आपके लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी शूट किया है, जो सॉन्ग पे काम किया है हम लोग ने, वो बहुत अच्छा सॉन्ग जाएगा अल्फाज नहीं मिलते। और जो हमारी एक्टर्स जो थी उनका तबीयत ख़राब हो गया है, वो कारण से वो आ नहीं पाई हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो उनका नाम कृति बंसल है, तो कृति बंसल जी को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत किया शूट पे। हम लोग नासिक रोड पे टिटवाला फार्म हाउस पे शूट रखे थे, जिसका रिलीज डेट है 8 जून। 8 जून को सुबह 8 बजे हम उसको रिलीज़ करेंगे AJ चैनल्स पे, AJ म्यूज़िक पे। और जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा वो रेखा जी के साथ आने वाला, जो जिसमें सिंगिंग भी ये करेंगी, सैड सॉन्ग होगा वो भी, सिंगिंग और एक्ट्स भी यही करने वाली है। तो बस अभी के लिए इतना। कहाँ कहाँ पे शूट किए गाने का पहला जो रिलीज होने वाला है? दिलीप कुमार और म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, AJ म्यूजिक से रिलीज हो रहा है ये सॉन्ग। लिरिक्स राइटर के बारे में बताएंगे, किस तरह गाना है? AS रजवी। किस तरह गाना है, इमोशनल है क्या, सैड सॉन्ग है? सैड सॉन्ग ही, सैड लव सॉन्ग है ये, आप कह सकते हो। और काफ़ी मतलब मिलता जुलता है जो नेचुरल लाइफ में हम लोग जैसे होते हैं, जो काफ़ी अच्छा होगा। और ये हम लोग एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो इस गाने को, और जहाँ तक है। और नेक्स्ट सॉन्ग ही हमारा लव जोनर ही है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा होगा। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है उसका? वही दिलीप जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर। कहाँ शूट करने वाले हैं? अभी हम लोग टिटवाला में किए हैं, इसके बाद हम लोग लोनावाला करेंगे। और ज़्यादातर मोंटाजर शॉट है हमारा, ट्रैवलिंग शॉट है, जहाँ अच्छा लोकेशन लगेगा जिस टाइप का, हम वहाँ ऐसे शूट करेंगे। तो आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे, किस तरह के आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, अच्छे हैं। अफरोज जी हैं, रेखा जी हैं और कृति है, एक और भी दो तीन आर्टिस्ट हैं जो हमारे कंटिन्यू बैक टू बैक हम लोग सॉन्ग करने के लिए अभी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। कभी रिलीज़ करने का प्लान? 8 जून को हमारा ये गाना रिलीज़ होगा, जो हम लोग ने अभी किया है। तो उसके बाद बैक टू बैक हमारा गाना और भी आते रहेगा। हम फेस भी हैं हमारे साथ और नए लोग भी हैं। तो नए लोगों को इसलिए भी करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो कंपनी है VGCC फिल्म्स एंड कास्टिंग, तो ज़्यादातर मैं नए लोगों को ही करता हूँ। मोस्टली अभी कुछ वेब सीरीज भी कर रहे हैं, आने वाले कुछ एक दो सॉन्ग भी कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छा है। तो नॉन फेस को लेकर भी करेंगे और न्यू को भी लेकर कर रहे हैं। दो लाइन आप गाने का बोल सुना सकते हैं, किस तरह गाना आप मतलब रिलीज होने वाला? ठीक है, मैं सुनाता हूँ। अल्फाज नहीं मिलते तुम इतनी खूबसूरत हो, अल्फाज नहीं मिलते तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम चांद हो, आसमां हो, या जमी हो, या मकां हो, या कोई परियों की मूरत हो। तुम इश्क हो या इबादत, तुम जो भी हो मेरी चाहत। यही सॉन्ग है। तो ऑडियंस भी यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे टीम के सॉन्ग आ रहे हैं, हमारे नए नए सिंगर, नए नए एक्टर को हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, कुछ सॉन्ग आ रहे हैं, तो आप लोग दुलार और प्यार दीजिए। और मैं कोशिश हमेशा करता रहूँगा कि नए कलाकारों को ज़्यादा काम से टाइम में ज़रूर करेंगे। हर एक का एक्टर या एक्टर डायरेक्टर का एक कोशिश रहता है कि आने वाले कल में ज़रूर हम करेंगे, और कर ही रहे हैं ऑलरेडी, मैंने काफ़ी चीज़ें किया भी है।